अवशे अब पता चला ना बच्चू बड़ी बड़कियां मार रहे थे। जाओ जाके खाना बनाओ और मेरे लिए मुर्गी के गोश्त वाली बिरयानी बनाना। मुमताज तुझे बुला रहे हैं। माँ जी मुमताज आपका नाम है, आपको बुला रहे हैं। जी बिग बॉस कहाँ आने, जल्दी से बताएं मैं तैयार हूँ। मुमताज बिग बॉस चाहते हैं कि आप सारे घर में झाड़ू दें। अब पता चला। चले माँ जी आप काम से बचना चाह रही थी ना। ज्यादा खुश ना हो, खैर निसा भी तेरी भी बारी आने वाली है। कोई टेंशन नहीं माँ जी, असल काम तो आप लोगों को दे दिए, मुझे तो ज्यादा ज्यादा बर्तन धोने को कह देंगे। आयशा खूबसूरत बिग बॉस। आप इतनी भी खूबसूरत नहीं है, है? बिग बॉस ये चाहते हैं कि आप सारे घर के वॉशरूम साफ करें। व्हाट? आप लोगों का समय शुरू होता है अब। यार नबील ये बिग बॉस चल रहा है या कौन बनेगा करोड़पति? ओ महमूद साहब अब यही चलना है, हमारे ड्रामों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। फजूल बातों में वक्त जाया मत करो, 50 लाख का सवाल है। ओके बिग बॉस, ओके मुमताज जी। बड़े साईं बिग बॉस के घर में काम चोरी नहीं चलेगी। बड़े साईं किसी और को भी देख लिया करें, हर वक्त मुझे ही ताड़ी लगाते रहते हैं। ठीक से झाड़ू दो, मुझे सोफे के नीचे कचरा नजर आ रहा है। ईशोशे अच्छा आज तुम इस घर की बहू लग रही हो आयशा। Shut up, big boss. Okay, जा रही हूँ। What? यार महमूद साहब, मुझे थोड़ी सी confused हो रही है, मेरी मदद तो करें। और यहाँ मुझसे अपने हिस्से का खाना नहीं बन रहा, तुम्हारी हेल्प कहाँ से करूँ? ओ यार मैं खाना बनाने में हेल्प नहीं कह रहा। फिर महमूद साहब मुझे ये बताएं कि मुझे जो 50 लाख रुपया मिलेंगे उससे मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूं? अरे ऐसे कैसे मिलेंगे 50 लाख, तुम जीतोगे तो मिलेंगे ना। अरे देख लेना नबील, 50 लाख मुझे मिलेंगे मुझे। आपने तो 50 लाख मिलने की खुशी में मर जाना है, फिर मेरे हिस्से में आने ना, तो आराम से बता दे यार मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूं। अरे अगर मैं मर गया ना तो उन 50 लाख रुपए में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे? मैं मुसब कितनी घटिया सोच है आपकी, 50 लाख का सोचते ही आपने आंखें बदल ली यार। मुझे शर्म आती है अपने माँ का शौहर कहते हुए आपको। नबील महमूद और नबील जी बिग बॉस। बिग बॉस चाहते हैं कि आप दोनों खाना बनाकर डाइनिंग पर रखें और एक बार फिर लॉन में चले जाएं और अगले टास्क का इंतजार करें। जी बिग बॉस। बिग बॉस मेरी तो कमर ही तोड़ के रख दी है इसने। यार नबील ये बिग बॉस की आवाज क्यों नहीं आ रही, कहाँ चले गए? ओ यार मुझे लगता है महमूद साहब बिग बॉस जो है ना वो ब्रेक पे चले गए हैं। महमूद साहब ये बिग बॉस ने चीप हरकतें क्यों शुरू कर दी है? बिग बॉस अपना माइक्रोफोन तो बंद कर दे, यहाँ औरतें भी बैठी हैं। लगता है महमूद साहब बिग बॉस जो है ना वो बिजी हो गए। चल पुत्र ठीक है, जब तक हम खाना खा लेते हैं ना। वो जो हम लोग खा लेते हैं वो खाना है। ओ चले ना चले ना, आए ना यार आओ जानू चले। आओ आओ जी चलो चलो चलो। किसका पुत्र गायब हो गया माँ जी? नबील खाना खा गया। खाना बहुत ही लजीज था, मीठे में क्या है? चीनी है बड़े साहब, लाऊं? मुझे चीनी लोग पसंद नहीं। ओ बिग बॉस हम तो समझे थे कि खाना आपने हमारे लिए बनवाया। अबे मैं क्या यहाँ चने बेचने आया हूँ? तुम लोगों का असली टास्क यही तो है कि तुमने बगैर खाए पिए जिंदा रहना है। कब तक बिग बॉस? जब तक मर नहीं जाते। जो बचेगा उसे 50 लाख रुपया मिल जाएंगे। पुत्र जब हम सब ने भूखे ही मर जाना है तो फिर इनाम किसको मिलेगा? ओ माँ जी यही तो टास्क है, मुझे जिंदा रहना होगा। मैं खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम घास खा लेना मोमो। तो मैं अगर घास खा लूंगी तो घोड़ा क्या खाएगा? अरे हमारे घर में कौन सा घोड़ा है? अच्छा फिर ठीक है, मुझे ये गेम नहीं खेलनी बिग बॉस, मुझे यहाँ से बाहर निकाले। आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती आयशा। खूबसूरत चाहे आप कितनी ही खूबसूरत हो, आपने यही रहना है।
क्योंकि बिग बॉस ने घर के बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विश्वासी अब आप लोगों को लड़ मर कर एक साथ रहना है। जी बिग बॉस। बिग बॉस ये चाहते हैं कि घर के सारे सदस्य एक एक करके कन्फेशन रूम में आए। हमारे घर में कोई कन्फेशन रूम नहीं है। लेकिन हमारे घर में वॉशरूम है। ठीक है, फिर सब बारी बारी वॉशरूम में आ जाए। सबसे पहले मैं जाऊंगा। मैं मुसा। ओए, ये क्या कर रहे हैं? बिग बॉस आंखें उधर करें जरा। ओ भाई, मैंने तुम्हें कन्फेशन के लिए यहाँ बुलाया था। सॉरी बिग बॉस, मैं समझा कि आपने मुझे वॉशरूम आने की इजाजत दे दी है। गंदे खलीज इंसान, निकल। बिग बॉस, अगर आ ही गया हूँ तो एक मिनट बस है, एक मिनट। निकल, नबील को भेज। अच्छा बिग बॉस। जी बिग बॉस। नबील, बिग बॉस ये चाहते हैं कि आप कोई कन्फेशन करें। ओके बिग बॉस। बिग बॉस, मैं अपनी बीवी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैंने पैसे के लिए उससे शादी की थी, लेकिन उसने मुझे कुत्ता बनाकर रखा हुआ है। बिग बॉस, मुझे 4,000 रुपया देती है महीने का। इसकी वजह से ना मुझे सौदे से पैसे मारने पड़ते हैं, 50-50 रुपए। बिग बॉस, मैं कौड़ी कौड़ी को तरसता हूँ। बिग बॉस, कौड़ी कौड़ी को। क्या हुआ बिग बॉस? बदले, तूने तो मुझे रुला दिया। चल यहाँ से निकल। ओके बिग बॉस। जानो तुम बेशरम घटिया इंसान, तुमने सिर्फ मुझसे पैसे के लिए शादी की थी। नबील, तुम इतने गिरे हुए निकलोगे ये तो मुझे पता था, लेकिन इतने चीप हो गए ये मुझे नहीं पता था। अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे अब। जानू, जानू। बिग बॉस यार, आप बड़ी कुटनी है यार, काम का लड़वा दिया। जानू, जानू। मुमताज, मुमताज तुम्हारा नाम है? जी फरमाइए। बिग बॉस ये जानना चाहते हैं कि आप और आपकी बहू के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं? बिल्कुल जैस ताल्लुकात हैं। वो मेरी आंखों का तारा है, जिगर का टुकड़ा है, मैं उसको बड़ा पसंद करती हूँ, जान छिड़कती हूँ उस पे। लेकिन वो तो आपकी बड़ी बुराई कर रही थी। क्यों कह रही थी कमीनी? वो समझती क्या अपने आप को? उस डैन को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी, मैं जान ले लूंगी उसके यहाँ। मुमताज, बॉस चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनें। ओए दफा हो, अरे हट जा। मुताज, मुताज, सुनो सुनो मुताज। जानू, मैं तो बिग बॉस से मजाक कर रहा था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी नवीन। लेकिन मुझे तुझसे बात करनी है, समझी नसरीन? खूबसूरत, चुप है, तेरे मुंह पर तेजाब ना फेंक दूं। तेरी ये मजाल कि तू मुझे गेम से निकलवाना चाहती है। कैसी फजूल बातें कर रही है आप माजी। चुप कर चुड़ैल, नहीं जानती मुझे। मैं ना तुझे बदवाएं दे दे के मार दूंगी। ओ माँ जी, तमीज से बात करें, मेरी बीवी है। तुम तो चुप ही करो घटिया इंसान। माँ जी, जरा दोबारा बताइए क्या करी थी आप इसके बारे में। मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी, 50 लाख सिर्फ मेरे मेरे। आपने कभी ख्वाब में भी देखे 50 लाख रुपए? देखा आपने बिग बॉस, कितने लालची लोग हैं ये। एक 50 लाख रुपए की खातिर किस तरह लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, कुत्ते कुत्ते हो रहे हैं। बिग बॉस मुझे देखिए, मैं इनसे बिल्कुल अलग हूं, मैं जरा भी लालची आदमी नहीं हूं। आप एक काम करें, आप इन सबको घर से निकाल दें और वो 50 लाख रुपए आप मुझे दे दें, ताकि मैं भी इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं, आपके भाई के भी गुजरा टॉर्चर हो जाए। क्या ख्याल है बिग बॉस? शट अप, आप लोग लड़ाई झगड़ा बंद करें। बिग बॉस चाहते हैं कि आप आखिरी बार लॉन में आ जाए, डे लाइट जाने वाली है। मैं नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम बिग बॉस हो। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम खूबसूरत? महमूद साहब, इस घर में कोई बिग बॉस नहीं है। मैं जब कमरे में गई थी ना, तो मैंने खिड़की के पास किसी को देखा था। महमूद जी, बिग बॉस इस चाहल लड़की की बातों में ना आना, ये आपको गेम से निकलवाना चाहती है। आप लॉन में जाए फौरन। जी बिग बॉस। रब्बा,
उतर, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। खाने का नाम मत लो, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। यार मामू साहब, मेरी अपनी बड़ी भूख से हालत खराब हो गई है यार। यार नबील, हम सुबह तक कैसे भूखे रहेंगे? और कैसी बातें कर रहे हैं मामू साहब, अपना ध्यान इधर उधर लगाएं, खाने की बातें नहीं करें। बिग बॉस चाहते हैं कि नबील और महमूद रात का खाना बनाए। और जल्दी करें भाई, मुझे भूख लग रही है। और मैं क्या करूं जेजे बॉस? आप लॉन में पानी दे। किसको? खास को। मुझे लगता है मैं सुबह तक जिंदा नहीं रहूंगा। महमूद साहब, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार। नबील, मैंने खिड़की में किसी को देखा है। ओ यार महमूद साहब, मौत के फरिश्ते को देखा होगा, हमें लेने आया होगा। ओ यार, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, अकल से काम ले, कोई बिग बॉस बिग बॉस नहीं है। ओ जानू, सुबह से बिग बॉस की बातें मान रही हो और आप कह रही हो कोई बिग बॉस नहीं है। ओ यार, एपिसोड भी तो पूरा करना था ना नबील। हाँ, मुझे लगता है कोई हमारे घर में छुपा हुआ है। क्या? अकील, अकील। क्या हुआ मोमो? मैंने ना अभी किसी को लॉन में भागते हुए देखा। क्या? मैंने भी यहाँ खिड़की में किसी को देखा था। देखा, मैंने कहा था ना। ओ जानू, मुझे नहीं मानना, बस हमारे घर में बिग बॉस है। नबील जरा सोचो, तुम लोगों ने दोपहर को खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा था ना। हाँ? तो वो कहाँ गया? वो बिग बॉस ले गए होंगे। यही तो मैं कह रही हूँ कि कोई इस घर में छुपा हुआ है जो खाना लेकर चला गया, वरना तुम लोगों ने कभी बिग बॉस को खाना खाते हुए देखा है? यार कह तो तुम ठीक रही हो। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम लोग खाना पका कर डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं, जो भी छुपा हुआ है वो खाना लेने तो आएगा। जैसे ही वो खाना लेने आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। वश्य वश्य। इसका मतलब ये है कि आज हम बिग बॉस को अपनी आंखों से देखेंगे। बिग बॉस, हमने खाना रख दिया है। अब अन्ना सोने जा रहे हैं, सुबह मुलाकात होगी। ओके बाय। बाय, खुदा हाफिज। बिग बॉस ये चाहते हैं कि अब कोई अपने कमरे से बाहर ना निकले। ये कौन है? ये है? मैं इस कमीने को सारा खाना खाने नहीं दूंगी। ओए बिग बॉस के बच्चे! ओए बिग बॉस! अबे साले, हमें बेवकूफ बना रहा तू! बिग बॉस के चाहते हैं कि अब बिग बॉस की कोट ना ले जाए। अरे नबील, अरे ये तो वही पागल है जो बचपन में आपके साथ खेलता था। अरे नहीं, जो मस्जिद के बाहर गली में घूमता रहता है। अबे अबे तूने मुझ जैसे हड हराम से सारा दिन काम कराया तूने, और मुझसे तूने रोटियां पकवाई और मेरी बनाई हुई रोटियां खाई हैं, और मुझसे बाथरूम धुलवाए। वो देखो चिकन। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है।